नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तनुज देशी। लोकसभा चुनावों में भले ही एनडीए सरकार ने देखिए सरकार तो बना ली है, लेकिन अगर दिल्ली की बात अगर करी जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह बाजी मारती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बार उम्मीद करी जा रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है शायद एक दो सीटों पर जीत हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं करी और सातों की सातों सीटें जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी बताया गया है कि यहाँ पर देखिए मायावती ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं वोट भी कटा। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जेल में बंद थे चुनावों के दौरान, हालांकि चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर आए थे, लेकिन उसका पूरा असर लोकसभा 2024 के इस चुनाव पर पड़ा और दिल्ली की जनता पर भी पड़ा। अब ऐसे में देखिए बात करते हैं आज दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, जिसको लेकर अब अक्टूबर और नवंबर से तकरीबन तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि शायद अगर अरविंद केजरीवाल और मायावती गठबंधन कर लेते हैं तो एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर डालती हुई नजर आ सकती है। बात अगर आम आदमी पार्टी की करी जाए 2015 और 2020 की, तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती नजर आई थी। पिछली बार भी 62 सीटों पर देखिए आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी थी और 62 का आंकड़ा 70 में से कम नहीं होता। दिल्ली में विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है विधानसभा चुनाव में। लेकिन कांग्रेस की बात न करकर हम बात करेंगे बीएसपी पार्टी, क्योंकि बीएसपी पार्टी की बात करना आज दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक समय वो था जब दिल्ली की विधानसभा में मायावती के तकरीबन 15 से 16 विधायक हुआ करते थे और 70 में से 15 से 16 विधायक होना कोई छोटी बात नहीं होती। अब ऐसे में अगर मायावती जो मीटिंग होने वाली है, देखिए 23 जून को एक बीएसपी पार्टी की बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में चर्चा होने वाली है जिस तरह से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जैसे कि हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं मायावती चर्चा करने वाली है कि इन विधानसभा चुनाव में हम अपना प्रभाव कैसे छोड़ते हुए नजर आए। दिल्ली पर भी चर्चा जरूर होगी। तो ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद आम आदमी पार्टी के साथ मायावती का गठबंधन हो जाए, क्योंकि कभी आपने मायावती को ज्यादा अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ कहते हुए नहीं सुना होगा, अरविंद केजरीवाल मायावती को लेकर कुछ नहीं कहते। और अगर ये दोनों दिग्गज मतलब साथ आते हैं और एक दो सीटों पर मतलब 70 में से 2 या 3 सीट देने को तैयार हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल मायावती को, तब बताया जाता है दिल्ली में 20 से 22% जो दलित समाज है वो शायद पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव महसूस करता हुआ नजर आएगा। वहीं बात अगर कर दिया चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर तो अपना रुख साफ कर दिया है कि मैं उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कोई भी रुख यहाँ पर साफ नहीं किया। खैर, अब देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का सामना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसका कारण यही है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो जेल के अंदर बंद है। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, तमाम ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने जेल की हवा खाई है और अभी तक वो जेल से रिहा नहीं हुए हैं। जैसे बात कर ले सत्येंद्र जैन की, मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह अभी बाहर है लेकिन कभी भी ईडी की गाज उन पर फिर से गिर सकती है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा खेल होता है यहाँ पर नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।